हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं, वो देखेंगे कि 10-10 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या बिगेस्ट चेंज लेके आ रही है। ये रहे आपके पाइल्स, नाम का पहला अक्षर चूज कर लीजिए और चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके नाम का इनिशियल ADFHIHJLNPRJVX या फिर जेड है, आप पाइल नंबर वन हो, तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में 10-10 पोर्टल में क्या बड़ा चेंज लेके आ रहा है। और मैं सुभस्मिता प्रे करती हूँ कि आपको जो भी लाइफ में मिले बहुत अच्छा मिले। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लाइफ में ये 10-10 पोर्टल क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके आ रही है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है बिकम वन विथ द हर्ड। ओके, ठीक है। सेकंड कार्ड आया है आपके लिए टाइम टू रिलैक्स एंड कंजर्व योर एनर्जी। देखिए, एक चीज मैं आपको बोलती हूँ कि कभी कभी जो है अकेला रहना या फिर अकेले कुछ काम करना अच्छा होता है, लेकिन ये पोर्टल आपको ये बोल रहा है कि अभी कुछ आगे जाके डिसीजन मत लो। अगर जैसा चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो के साथ चलो, जैसे लोग चल रहे हैं, जैसे सिचुएशन चल रही है, आपको वैसी चलनी है। आपको अपना एक अलग सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे यही बोला जा रहा है आपको कि गोइंग विद द फ्लो सिचुएशन आपके लिए इस वक्त सही है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझको डिफरेंट करनी है, मुझको अलग करनी है, ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है। ठीक है, पहली बात तो बोला जा रहा है कि ग्रुप में रहो, जो हो रहा है उसके साथ चलो। नेक्स्ट है, जब एक कुछ भी चीज़ आप अकेले करने लगते हो, उसमें आपकी एनर्जीज बहुत जाती है। ठीक है, बहुत एनर्जी जाती है, बहुत थिंकिंग जाता है। कुछ ना कुछ कारणवशात आपको बोला जा रहा है कि रिलैक्स करो, अपनी एनर्जी को कंजर्व करो आगे कोई काम के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है या फिर यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि तुमको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होना है। ठीक है, यू हैव टू टेक सम रेस्ट, थोड़ा रेस्ट ले लो लाइफ में, क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हो। आपके लिए एक ऐसा टाइम खुल रहा है या फिर आपके लिए टाइम ऐसा है कि आप अगर खुद की हेल्थ के ऊपर फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर खुद के ऊपर फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं समाज के लिए कुछ कर लूँ, मैं बाहर जाके निकल के अपना ही कुछ अलग धुन बना लूँ, ये टाइम उस चीज़ का नहीं है। ठीक है, आपको वो समय आएगा, वो टाइम आपको मिलेगा, लेकिन ये वो टाइम नहीं है। अभी गोइंग विद द फ्लो सिचुएशन के साथ चलो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो 10-10 पोर्टल में आपके लिए ये आ रहा है। अगर आपने हाल ही में कहीं पे ट्रैवल किया है या फिर कहीं पे गए हो, तो मोस्टली आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ जाके अगेन कोई काम में मत लग जाओ या फिर अगेन कोई काम मत करो, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो और थोड़ा सा जो है रेस्ट ले लो। ठीक है, अब एक ट्रिप के बाद दूसरा ट्रिप, एक काम के बाद दूसरा काम, ये करने की आपको इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? 10-10 पोर्टल आपके लिए और क्या लेके आ रहा है? एंजल डिवाइन गाइड कीजिए। एंजल डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, 10-10 पोर्टल आपके लिए और क्या लेके आ रहा है? तो सबसे पहले जो कार्ड आया था, तो सन एनर्जी आया था, और ये कार्ड इसीलिए भी आता है, कभी कभी मुझे लगता है कि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, होता ही है एक्चुअली में पॉजिटिव कार्ड, लेकिन लोग इसको थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि बी काइंड। ठीक है, अगर आप किसी के साथ थोड़े रूड हो गए हो, किसी के साथ थोड़े गलत हो गए हो, रिजिड हो गए हो, बी काइंड। आपको थोड़ा किसी से तो माफ़ी मांगना चाहिए, किसी के साथ अगर रूड हुए हो तो या फिर गलत किए हो तो किसी से तो आपको थोड़ा बहुत माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, या फिर आपको एक होता है ना कि अपनी गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पोर्टल आपके लिए यही लेके आ रहा है कि जो भी सिचुएशन में तुम हो,
अगर खुद को बहुत ब्लॉक महसूस कर रहे हो, ठीक है, उस ब्लॉक सिचुएशन से अपनी आंखों से पट्टी निकालो। ये पोर्टल आपको बहुत स्ट्रांगली यही बोलने की कोशिश कर रही है कि आप कोई भी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ना ही आप फ्यूचर का कुछ देख पा रहे हो, आप अभी का जी रहे हो, तो वो आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा अपनी आंखों से पट्टी निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपके हाथ में ही सब कुछ है। अगर आप इस वक्त कोशिश नहीं करोगे या फिर आप इस वक्त मेहनत नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो शायद आप आगे जाके और भी ज्यादा जो आपको मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये पोर्टल इतनी पॉजिटिविटी आपके लिए लेके आ रही है, लेकिन आप शायद आंखें खोल के देख नहीं पा रहे हो, जिसकी बहुत जरूरत है आपको देखने का। ऐसा लग रहा है कि आप घर में कोई पेट भी ला सकते हो, आपको कोई पेट बहुत पसंद होगा, पेट ला सकते हो। ये संडे तक आपका कुछ प्लान बन सकता है, इस संडे तक आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। और आप ना ऐसे हर एक चीज को अपने अंदर मत रखो। अगर कोई भी आपको ट्रस्ट वर्दी लगता है, कोई इंसान आपको लगता है कि हाँ ये मेरी मदद कर सकता है या फिर कर सकती है, उस इंसान को पूछने की जरूर कोशिश करो, ठीक है। वो इंसान से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल सकता है। लव लाइफ की बात करूँ तो जो आपकी सोलमेट है, जिनके साथ आपका कनेक्शन है, तो लव लाइफ में मुझे लगता है ये पोर्टल खुल रहा है एक रीयूनियन का, या फिर एक लव लाइफ आपका जिसके साथ है उसके साथ रिलेशन अच्छा बनाने का ये पोर्टल वो भी आपके लिए लेके आ रहा है, ठीक है। लव लाइफ अगर खराब होती है तो काफी सारी चीजें दिमाग में खराब हो जाती है, लेकिन ये पोर्टल ब्लेसिंग लेके आ रहा है आपके प्यार के लिए, आपकी लाइफ के लिए। और आपको एक मुझे एंजेलिक ब्लेसिंग आपके लिए दिख रहा है। आप इस इंसान का कब से हाथ पकड़ना चाहते हो, तो आप इस इंसान का हाथ पकड़ सकते हो, इस इंसान का सपोर्ट पा सकते हो। आप दोनों बहुत अलग हो, एक आग हो तो एक पानी हो, लेकिन आप दोनों का मिलन होगा, ठीक है। मुझे रीयूनियन दिख रहा है। ऑल्सो मुझे ये चीज़ भी दिख रहा है कि दोनों अपनी अपनी ईगो छोड़ोगे, या फिर दोनों अपनी अपनी जो है ना अंदर से एक ईगो, उसको निकाल के आप दोनों साथ आओगे। दोनों का नेचर कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे के साथ रहने में आपका ये ईगो ब्रेकिंग आप लोगों को हेल्प करेगा। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आए जो आपको प्यार करे, तो वो भी पोर्टल खुल रहा है कि कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा आपको प्यार करने के लिए। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अगेन मुझे अगर आपका करियर देखूं तो, अगर आप स्पेशल कोई करियर में हो जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर आपका बिजनेस का है, तो मुझे पार्टनरशिप एंड ग्रोथ बहुत अच्छे से दिख रहा है। ऑल्सो ऐसा दिख रहा है कि आपकी काम में बहुत मेहनत होगी, ठीक है। आप मेहनत करोगे, ये आपकी मेहनत ही आपको फल देगा, लेकिन एक चीज और है कि मेहनत आप करोगे, कोई चुपके से फल लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बी अवेयर, सबको अपनी प्लान्स, अपने काम से रिलेटेड प्लान्स ना ही बताओ तो ही बेहतर है, वरना मेहनत आपका होगा और फल कोई और लेके चला जाएगा। खुद करो, खुद क्रेडिट लो, ये सेल्फिश नहीं होता है। जब हम खुद कुछ करते हैं, खुद क्रेडिट लेते हैं, इसमें कोई सेल्फिश की बात नहीं है, ठीक है। मुझे आपका बिजनेस ग्रो करता हुआ बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करना चाहते हो। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे द ब्यूटिफुल नाइट ऑफ वंड एनर्जी है। आपका ये पोर्टल आपके लिए ट्रैवल या फिर कहीं जाना, ये चीज का मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहोगे, या फिर ऐसा ट्रैवल करके कुछ करना चाहोगे जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी लाइफ में कुछ काम बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है, तो वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सक्सेस होता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं देखूंगी कि कौन सा ऐसा काम है जो आपका इससे बनेगा। वन सेकेंड, ओके। सो ये आपकी विश है, कुछ विश दिख रहा है कि बहुत समय से आपकी कुछ चीजें इच्छा है, कोई विश है
जो विश आपका पूरा नहीं हुआ है तो उसके ऊपर आप एक्शन लोगे और आपका वो इच्छा पूरा होगा। एक बॉटम ऑफ द हार्ट से कोई एक इच्छा है, ठीक है। आपको कुछ ना ऐसी चीज दिखेगी या फिर कुछ ऐसी चीज आप महसूस करोगे जिससे आपको मिरेकल सा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका यू नो ये पोर्टल आपके लिए ये भी लेके आ रहा है कि कोई काम, जस्ट उम्मीद खत्म हो गई थी, बस एक आशा थी कि हाँ हो सकता है या फिर होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा था। आप देखोगे कि सडन कुछ मिरेकल हो रहा है और कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ एक अच्छा गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आ रहा है। आप किसी से मिलने जा सकते हो, प्लान बन सकता है किसी से मिलने का, ठीक है। कहीं पे ट्रैवल करने का प्लान बन सकता है, बीचेस पे घूमना प्लान वो भी बन सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो दिख रहा है द मजिशियन कार्ड, और ये दिखा रहा है कि ये पोर्टल आपके लिए एक मैजिकल पोर्टल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हो बहुत समय से, वो इच्छा आपकी मैनिफेस्ट होगी। और इसको ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया है, आपने मेहनत किया है और बहुत कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ा था, तो वो आपकी मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिख रही है। आप मुझे एक ऐसे इंसान की तरह दिख रहे हो जिसको सब कुछ मिलने के बाद भी जो बहुत चुपचाप रहेगा और किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करेगा, ठीक है, या फिर नहीं करेगी। आपकी एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि लॉट्स ऑफ सक्सेस आर देयर, बहुत सारी सक्सेस इज देयर, बहुत सारी सक्सेस यहाँ पे है आपके लिए। एंड लेकिन आप उस सक्सेस को अपने तक रखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये बातें मैं किसी से ना बोलूँ तो ही मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि वैसे भी लोगों को पता चल ही जाएगा। आप मुझे एक बहुत सीक्रेट पर्सन दिख रहे हो जो कि बहुत सीक्रेट रखना पसंद करते हो अपनी लाइफ को। आपको खुल के लोगों के सामने बातें चीज़ें रखना पसंद नहीं है, ठीक है। और देखते हैं क्या है आपके लिए ये पोर्टल और क्या लेके आ रहा है। एडमिट योर ट्रू फीलिंग्स टू योर सेल्फ, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि खुद के साथ ऑनेस्ट बनो, क्योंकि कभी कभी क्या ऐसा होता है ना कि हम ना सच को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा इंसान चाहिए या फिर आपको कौन सा काम चाहिए, खुद के दिल को खुश करो। आप खुद के दिल को, खुद के मन को मत मारो। जो मन में है उसको एक बार फेल्यूर ही हो जाओ सही, लेकिन करने की कोशिश जरूर करो। अगर नहीं करोगे हमेशा एक रिग्रेट रह जाएगी, तो रिग्रेट के साथ जीने से बेहतर है जो चाहते हो उसको करो। तो जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपकी इच्छाएं है, उसको पहले एडमिट करो। ईगो या फिर दुख के साथ मत रहो। सबसे पहले तो आपके लिए ये आ रहा है गाइडेंस, ठीक है। नेक्स्ट गाइडेंस आपके लिए आ रहा है बी योरसेल्फ। दो बार कार्ड आया है एंड दो बार बी योरसेल्फ आया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपका जो पर्सनालिटी है, आप दुनिया को वो नहीं दिखाते हो। आप दिखाते हो कि आप बहुत टफ हो या फिर आप बहुत रूड हो, बट आपकी जो रियल पर्सनालिटी है वो है कि आप बहुत नरम हो और आप ना चीज़ों को अपने हिसाब से करना पसंद करते हो, लेकिन लोग समझते हैं कि आप डिफरेंट हो, रूड हो। तो खुद जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोच रहे हो कि मैं बदल जाऊं तो मुझे कोई एक्सेप्ट कर लेगा, वो ज़रूरत नहीं है। जैसे हो वैसे रहो, हाँ, अनलेस अगर आपने कहीं पे गलती ना किया हो। अगर आपने गलती किया हो तो उसका माफ़ी मांगो या फिर समझ जाओ कि मेरी गलती है, और फिर जो है अपना पक्ष रखो। गलती हो तो चेंज हो, अगर गलती नहीं है तो चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो वैसे रहो, खुश रहोगे, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए रीडिंग को अगर आपको पसंद आई तो, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय भोलेनाथ। हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपके नाम का पहला अक्षर बी सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू या फिर वाई है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं टेन टेन पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तब तक आप इस रीडिंग को जरूर लाइक कर दीजिए। आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, च्यू द कर्ड, टेक टाइम टू कंसिडर, ओके। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है
डी क्लटर योर माइंड, स्टोर ओनली दैट व्हिच सर्व यू. ओके ठीक है. सबसे पहले तो आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि समय लो. ठीक है, आप बहुत जल्द जल्दबाजी में जो चीज़ चाहते हो वो मिल जाए वो शायद आपको ना मिले. मेहनत मेहनत की ज़रूरत है, समय लगेगा. ठीक है, आपके लिए ये पोर्टल यही बोल रहा है कि स्लोली स्टेडीली तुम्हारा काम होगा, समय लगेगा. और जैसे होता है ना कि चाय अगर बहुत उबालते हो तभी टेस्ट आता है, उसी तरीके से मेहनत जितना करोगे उतना बड़ा फल मिलेगा. तो जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ आपके लाइफ में चल रहा है ना, आपको लग रहा है बहुत टफ सिचुएशन है, इतने से मैं क्यों गुजरूं, मैंने तो कोई बुरे कर्म किए नहीं है, लेकिन शायद आपको बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, इसीलिए ही आप इस समय से गुजर रहे हो और आपको मेहनत करवाया जा रहा है. आप शायद मेहनत और नहीं करना चाहते हो, एनफ हो गया, लेकिन आपको मेहनत करवाया जा रहा है. ठीक है, और जितना आपका काम करने में समय लगेगा उतना ही बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा. नेक्स्ट है कि जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपके दिमाग में है, उस सबको बाहर निकाल दो. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में है, ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, तो आपको वो सबसे पहले छोड़ देना है, क्योंकि आपको करना सिर्फ इतना है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही करो. अननेसेसरी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना शुरू कर दो. जब तक आप, एक होता है ना कि आप जब तक एक कबर्ड को खाली नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सा रखना है और कौन सा फेंकना है. सब रखोगे तो कूड़ा भर जाएगा और अच्छी चीज़ रखने के लिए ही जगह नहीं मिलेगी. तो वही हो रहा है आपके साथ, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी टेंशन प्रॉब्लम लेके चल रहे हो कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम है उसको ही भूल जाते हो. तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपना इम्पोर्टेंट समझो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही काम करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आ रही है. ठीक है, देख लेते हैं कार्ड से आपके लिए और क्या ये टेन टेन पोर्टल लेके आ रही है. आप एक इस रीडिंग को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए तब तक. ठीक है, एंजल डिवाइन ब्लेस कीजिए. क्या लेके आ रही है आपके लिए ये टेन टेन पोर्टल. सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए नंबर 5 एंड हेरोफेंट का कार्ड आया है. तो आप देखो, मुझे लगता है यहाँ पे कि आप अगर कोई टीचर बनना चाहते हो, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो आपकी वो विश पूरी होगी. ये पोर्टल आपके लिए एक कोई अच्छा प्रोफेशन टीचिंग से रिलेटेड वो रास्ता लेके आ रहा है. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों के साथ ही जचेगी. आपके साथ ही पोर्टल लेके आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल बनने की आपको ज़रूरत है. आपको जो भी गाइड चाहिए वो आपको कोई ऐसे इंसान या फिर कोई किसी एक इंसान या फिर किसी एक भगवान से मिलेगा. आप बहुत जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसकी चाबी ऑलरेडी है. आपको जो प्रॉब्लम लग रहा है कि इसका कोई सलूशन नहीं है, ऑलरेडी वो सलूशन है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा, वो सलूशन को ढूंढना पड़ेगा या फिर वो सलूशन कहीं से तो लाना पड़ेगा. आप अगर बैठे रहोगे कि सलूशन मेरे पास चल के आएगी, वो मुझे आता हुआ आपके पास नहीं दिख रहा है. ये पोर्टल आपको बोल रहा है कि खुद जाके अपनी किस्मत की चाबी लेके आओ. ठीक है, नेक्स्ट वही रिलेटेड है, एक्शन से ही रिलेटेड है. कहीं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कहीं तो ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं तो जाना पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि बिना जाए मेरा काम नहीं बन सकता है इस जगह पे, तो आपको जाना पड़ेगा. कोई रिश्ते को सुधारने के लिए, कोई काम करने के लिए आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा. आप एक ही जगह पे बैठ के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. अगर आप एक जगह पे बैठते हो तो क्या होगा, ये होगा. ठीक है, देख सकते हो इमोशंस बहुत बाउंडेड मुझे आपका दिख रहा है. अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को पकड़ के एक जगह मत बैठा करो. आप जितना एक ही बात सोचते हो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होते जाते हो. तो आप एक ही बात को सोच सोच के नेगेटिव मत हुआ करो.
ठीक है, तो आपका मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर नेगेटिविटी तब बहुत बढ़ती है जब आप एक ही चीज़ को लेके बैठ जाते हो, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ दिख रही है कि आप एक हाईली इमोशनल पर्सन हो और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है आपकी इमोशन। अगर आप वो बैलेंस नहीं करोगे, आप धीरे धीरे और भी परेशान होते जाओगे। तो ये पोर्टल आपको यही बोल रहा है कि तुम्हारे लिए जो भी सक्सेस है या फिर तुम्हारे लिए जो भी खुशी है, उसके लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें खुद बात करनी पड़ेगी। तुम बैठे बिठाए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दो टू ऑफ द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। ये बताता है कि जो आपका नॉलेज है उसको यूज करो। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम आपके दिमाग में है, वो नॉलेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उस नॉलेज को सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप अपने इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर मत करो। ये पोर्टल ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये उन लोगों का फाइल है जो लोगों की साइकिक पावर, थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है और आपकी चक्रा इतने एक्टिव है, और लेकिन क्या हो रहा है आपका प्रॉब्लम कि आप अपने इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हो कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं लोगों के साथ चलूँ या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलूँ, लेकिन आपको करना क्या है, आपको डिफरेंट होना है, आपको सब जैसा नहीं करना है। एक चीज़ याद रखो, अगर आपका इनर वॉइस आपको कुछ बोल रहा है, इसी चीज़ को करो, इसी चीज़ से ही होगा, उसको सुनो, उसको कभी इग्नोर मत करो। ऐसा नहीं हो सकता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आगे कैसा होगा ये मत सोचो, क्योंकि आपका किस्मत आपको इस तरीके से कुछ देगा ही नहीं। आपका किस्मत आपको ऐसे ही देगा कि जो नहीं हुआ है वो करोगे तो आपका काम बनेगा। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, पर्सनल लाइफ में किसी के साथ रिश्ता नहीं बन रहा है, या फिर क्या सही है क्या गलत है जान नहीं पा रहे हो, हर एक चीज़ में अपने इनर वॉइस को, अपने दिल को, अपने इंट्यूशन को बिलीव रखो कि अगर मेरे दिमाग में आया है कुछ तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छा होगा। तो हमेशा पोर्टल खुद आपको कुछ या फिर हमेशा भगवान आपको खुद लाके कुछ नहीं देते हैं, वो आपके इंट्यूशन के थ्रू ही आपको हर एक चीज़ बताते हैं। तो आपके इंट्यूशन के थ्रू ही आपको ये सारे आंसर्स पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ऐसे दिख रहा है कि आप जो है बहुत, आप एक ऐसे इंसान हो जो हर एक लाइफ की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, आपके पास अच्छी बुरी दोनों चीज़ का नॉलेज है, तो उसको अपने हिसाब से यूज़ करो। ठीक है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से यूज़ करो। नेक्स्ट है जीरो का कार्ड यहाँ पे है, द फूल एनर्जी, और ये कार्ड बताता है कि कुछ चीज़ें आप स्टार्ट करने वाले हो और स्टार्ट कर दो, एक नई जर्नी शुरू कर दो। आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है, आप जो भी जानते हो, वो सारी चीज़ को अपनी जर्नी में ऐड करना शुरू कर दो, नई जर्नी स्टार्ट करो। जो हो गया है, वो जो रह गया है, वो छूट गया है, छूट गया है, लेट इट बी। जो हो गया है, जो छोड़ गया है, जो छूट गया है, उनको जाने दो। उनको फिर से लाने का या फिर उनके पास फिर से जाने का या फिर वही काम को दोबारा सोचने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अपनी नई जर्नी शुरू करने का ये वक्त है। देख रहे हो, एक तारा यहाँ पे जा रहा है, आपके विश, आप जो भी जर्नी शुरू करोगे एक विश के साथ शुरू करो, वो आपका फुलफिल होगा। वन मोर थिंग, आप आज रात देख सकते हो टूटता हुआ तारा। ठीक है, ये भी दिख रहा है। एक और चीज मुझे दिख रही है कि जितनी भी आपके दिल में प्यार है, इमोशंस है, उन सबको एक जगह पे रख दो, क्योंकि ये देख रहे हो दिल को पकड़ के बैठे हो और कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस इंसान ने अपने प्यार या फिर एक हो सकती है इमोशंस को ठुकरा दिया है। इमोशंस सुन के ही ज़्यादा दिमाग खराब होता है और फिर उसने जर्नी शुरू किया है, तो सक्सेस आपको वही उसी तरीके से ही मिलेगी। दिल इमोशंस को आपको तो बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या है, और ये पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रही है। ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ब्यूटीफुल। जो भी आपके दिमाग में है कि मेरा कब तक चीज़ें बनना शुरू होगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं तो कुछ तो मेहनत की कमी आपकी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो मेहनत कम हो रहा है आपका। तो कुछ चीज़ों में गॉड चाहते हैं कि आप और प्रैक्टिस करो, ताकि आप एक एक्सपीरियंस, एक प्रोफेशनल, एक प्रो बनो, ठीक है, जिससे कोई आपको नहीं काट सकता है। तो कुछ चीज़ों में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, जो डिवाइन बोल रही है कि तुम्हें
करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही होगा. विंटर. वाओ, द आंसर टू योर प्रेयर एंड ऑल द अफर्मेशन आर फुल्ली रियलाइज इन द विंटर मंथ. ठीक है, अगले 2 महीने, 1 महीने में विंटर आने वाला है, तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हो, आपकी विंटर में वो इच्छाएं सब कुछ पूरी होने लगेगी. आई थिंक 1-2 महीने के अंदर आपकी जो भी इच्छाएं हैं विंटर में वो पूरी हो जाएगी. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई. अगर पसंद आई तो इसको एक लाइक ज़रूर करें. मिलते हैं अगले रीडिंग पे. ओम नमः शिवाय.